को संबोधित करते हुए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके अनुपालन में कल गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करवाने तथा आम जनता के लाभ के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि वहां पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा हो। इन चुनिंदा गतिविधियों को अनुमति देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और संबंधित गतिविधियां पूर्ण रूप से कार्यात्मक रहें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकतम दक्षता से कार्य करे इत्यादि। गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर कड़ाई से अनुपालन करने पर जोर देना चाहूंगी। अनिवार्य रूप से सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र ना हो, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए, कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाए और सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाए, बुजुर्ग और रोगग्रस्त व्यक्ति तथा छोटे बच्चों के माता पिता को घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के प्रयोग को बढ़ावा और दिया जाए। आपसे अनुरोध है कि सभी राष्ट्रीय निर्देश और SOPs जो हमारे दिशा निर्देशों के साथ संलग्न हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, उनके बारे में जानकारी बढ़ाएं और उनका पूर्णतया पालन करें। धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मिस्टर लव अग्रवाल, प्लीज। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोविड की इस लड़ाई में जुटा हुआ है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भारत में कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर हेल्थ फंक्शनरीज और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें माइक्रो प्लान्स फॉर क्लस्टर और आउटब्रेक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्वेलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन में इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ भी बातचीत की, जहां उन्होंने पीएम केयर्स फंड में योगदान देने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को धन्यवाद दिया। साथ ही माननीय मंत्री जी ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि सरकार उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है और इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए किए जा रहे मेजर्स के द्वारा उनके कंसर्न्स को एड्रेस भी किया। इसके अलावा उन्हें कोविड के समय में हेल्थ केयर में मेक इन इंडिया के अवसरों का बेस्ट यूज करने के लिए एनकरेज किया, ताकि देश
क्रिटिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट प्रोविजन में ज्यादा रेजिलियंट और आत्मनिर्भर हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रैक्टिसेस के लिए एक एडवाइजरी कल जारी की है, जिसके तहत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को रिलीफ कैंप्स पर विशेष ध्यान देने और समाज के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने की सलाह दी गई है। क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अप्रोप्रिएट यूज की एडवाइस भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को COVID-19 के आउटब्रेक के दौरान इसेंशियल सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी पर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस को भी इशू किया है, जिसके तहत इन सेवाओं में जैसे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेसेज शामिल हैं, ताकि उनके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके और इमरजेंसीज को एड्रेस किया जा सके। हेल्थ केयर वर्कर्स को इन सब बीमारियों के बारे में कार्य करते हुए सेफ्टी इंश्योर करा जाए, उसके बारे में रिक्वेस्ट की गई है। कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज के अलावा रिमेनिंग फैसिलिटीज ऐसी सेवाएं प्रदान करती रहेंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है। ओवरक्राउडिंग को रोकने के लिए टेली हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस के पीरियड के दौरान इम्यूनाइजेशन और एंटीनेटल केयर जैसी सेवाओं को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और इस तरह की सेवाओं को कोई एक दिन फिक्स करके प्रोवाइड किया जाए। ये सर्विसेज देते समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन विद मैलन्यूट्रिशन, टीबी, लेप्रसी, एचआईवी, वायरल हेपेटाइटिस, पल्मोनरी डिजीजेज या डायलिसिस जैसी जितनी भी सेवाएं हैं, उनको हमारे सब हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्राइमरी हेल्थ केयर टीम उनको मॉनिटर करें और उनके द्वारा हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही बल्क ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं, उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी B2 में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इसके द्वारा भारत सरकार जो चाहती है कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, और यह अमेंडमेंट 30 सितंबर से जिन्होंने भी कोई भी प्रपोजल दिया है उस पर लागू होगा। आज स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज इस कैटेगरी के तहत 100 से अधिक प्रपोजल की समीक्षा कर रही है, जो डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट लेवल पर है। अब तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड, और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ 414 है, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट वन डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फेटेलिटी रेट अगर 3.3% है, तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे, लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिसमें है कि पटना बिहार से, नादिया वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ राजस्थान से, गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरात से, भद्राद्री कोथागुड़म तेलंगाना से, साउथ गोवा गोवा से, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत इन यूपी, राजौरी इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनंदगांव रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, पुडुचेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहे, एजॉल वेस्ट जो है मिजोरम में, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुर, उडुपी और बेल्लारी कर्नाटका में, वायनाड, कोटेयम,
केरला में, SBS नगर पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फील्ड लेवल पर जो कंटेनमेंट का ये प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है उसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज तक हमने 2,90,401 लोगों की टेस्ट की है, उनमें से 30,043 यानी 30,043 इनकी टेस्ट कल हुई, उसमें 26,331 जो थे वो ICMR नेटवर्क के जो 176 लैब्स है उनमें हुआ है, 3,712 ये प्राइवेट लैब्स में हुआ है जिनकी संख्या अभी 78 है, और उनके कलेक्शन सेंटर्स ये 16,000 सिटीज के अंदर पाए जाते हैं देश भर में। ये जो कैपेसिटी का बार बार इश्यू आता है, अभी आपने देखा कि 26,331 वो नेटवर्क में से हुए हैं, हम अगर 9 घंटा काम करते हैं जैसे एक शिफ्ट में करते हैं तो हमारी अभी जो लैब की कैपेसिटी है वो 42,418 है, और अगर हम उसको बढ़ा के 2 शिफ्ट में कर दें तो 78,227 लोगों की टेस्ट हम हर दिन कर सकते हैं। दूसरी बात जो बार बार पूछ रहे थे सब, रैपिड टेस्ट किट्स आए क्या? 2 किस्म के रैपिड टेस्ट किट्स आज आ चुके हैं, एक लिवजॉन करके कंपनी का है, एक वॉन्टफ्लो करके कंपनी का है। ये जो टेस्ट किट्स हैं इनकी संख्या लिवजॉन की 2,00,000 और वॉन्टफ्लो की 3,00,000 है। इन दोनों किट में थोड़ा सा फर्क है, फर्क यह है कि लिवजॉन का जो किट है, लिवजॉन का किट और वॉन्टफ्लो के किट में IgG और IgM 2 अलग बैंड्स आते हैं क्या? एक इसमें दोनों बैंड एक साथ होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करके देखें। इन दोनों किट्स की सेंसिटिविटी 80% से ज़्यादा है और स्पेसिफिसिटी भी तकरीबन 84% से ऊपर ही है, तो जिस ढंग से इनका जो क्लेम है कि ये टेस्ट अच्छे हैं शायद उसका पहला इस्तेमाल होगा और हमको खुद को भी उसके बारे में फील्ड कंडीशंस में का पता चल जाएगा। अब जब इन चीज़ों की हम बात करते हैं तो 2 चीजें समझना जरूरी है, ये सीरोलॉजिक किट्स हैं। अब जब हम सीरोलॉजिक किट्स बोलते हैं, जो एंटीबॉडी देखने के किट्स जिसको हम अभी रैपिड किट करके ज्यादा जानते हैं, वो किट्स के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरे शरीर में अगर विषाणु गया तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले मेरे नेजल स्वैब या ओरल फेरेंजियल स्वैब, जहां से स्वैब जो हम लेते हैं उसमें विषाणु नजर आएगा। मैं अगर और 8 दिन रुकूं, 8 दिन के बाद में मुझे क्या दिखाई देगा कि जैसे मुझे लक्षण आना शुरू हो जाएंगे, उन विषाणु की संख्या ये मेरे गले में या नाक में रहे वो सबसे ज्यादा होती है जब लक्षण आते हैं, जब उसके बाद में ये गिरना शुरू हो जाती है। अब उस वक्त एंटीबॉडी को क्या होगा? अब थोड़ा एंटीबॉडी के बारे में हम समझ लें, यानी वो क्लैरिटी हमको लोगों तक पहुंचाने आएगी। मेरे शरीर में अगर कोई विषाणु गया तो वो विषाणु को लड़ने के लिए मेरा शरीर कुछ शस्त्र तैयार करता है जिनको हम साइंटिफिक भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है, जैसे अगर मुझे बताना है समझो इस किस्म का विषाणु है, तो एंटीबॉडी इससे एग्जैक्टली उल्टी होती है, वो इस किस्म की रहेगी और उसको चिपक जाएगी तो वो विषाणु नाकाम हो जाएगा। अब हमको एक समझना है, इनमें टाइप्स होते हैं। सबसे पहली एंटीबॉडी जो आती है वो IgM किस्म की एंटीबॉडी आती है। ये जो IgM किस्म की जो एंटीबॉडी होती है ये ज़्यादा दिन रुकती नहीं, थोड़े दिन के बाद में चले जाना अपेक्षित रहता है। IgM एंटीबॉडी जैसे आती है तो हमको पता चलता है कि ये इन्फेक्शन रीसेंट है, ऐसे में लगा है। जब IgG एंटीबॉडी आएगी तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो रही है। इसका मायना सिर्फ IgG अगर मुझे दिखा और IgM नहीं दिखा तो मैं ये समझ सकता हूँ ये पुराना इन्फेक्शन है। अब इतना मैंने क्यों बताया, उसके 2 कारण हैं। जब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे
तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस को क्यों नहीं है कि हमने 10 दिन होने के बाद में या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने के बाद में समझो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट की तो 80% लोगों में ही सिर्फ वो एंटीबॉडी दिखती है। इसका मतलब मेरा डायग्नोसिस 20% में मैं सिर्फ एंटीबॉडी इस्तेमाल करूं तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के पर्पस के लिए। सर्वेलेंस यानी क्या, जैसे अग्रवाल साहब बार बार आपको ये बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स होते हैं। अब ये हॉटस्पॉट पे आपको अगर नजर रखना है तो यहां ये बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट पीरियोडिकली करके मैं जान सकता हूं। अब कुछ लोगों के मन में एक विचार आएगा कि क्या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हो गई इसका मायना मुझे इन्फेक्शन हुआ, मुझे बाद में इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसे मैं मान सकता हूं क्या? तो हमको एक दूसरी चीज समझना है, कोई भी विषाणु के खिलाफ जब एंटीबॉडी तैयार होती है हर विषाणु उस विषाणु के साथ बाद में अच्छे ढंग से लड़ सकती है वो एंटीबॉडी, ऐसे नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देता हूं, मुझे अभी यहां हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वैरिसेला जोस्टर करके जो होती चिकन पॉक्स जो होता है ना, चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है उसमें जो एंटीबॉडी एक बार तैयार हो जाए तो इतने अच्छे दर्जे की होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि जिंदगी भर बाद में नए सिरे से ये चिकन पॉक्स आपको कभी होता नहीं। लेकिन उसी हिसाब से अगर आपने देखा तो साइंस में का पैराडॉक्स देखो, आपको एचआईवी इन्फेक्शन हुआ, मेरे शरीर में एचआईवी एंटीबॉडी जिंदगी भर दिखेगी लेकिन वो एचआईवी के खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो एंटीबॉडी दिखे भी तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका मायना मुझे हुआ ही नहीं है, ये देख यानी मेरा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग है अभी मुझे कभी होगा नहीं, ये बोलना कठिन होता है। कब तक कठिन होगा? जब तक इसके ऊपर अच्छा संशोधन नहीं होता, ये एंटीबॉडी कितनी अच्छे ढंग की है इसका पता नहीं चलता, जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस ढंग से। ये क्यों बोल रहा हूं, हमने सर्वेलेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको हम अर्ली डायग्नोसिस के हिसाब से हमने कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात कि हम जब ये एंटीबॉडी टेस्ट के इंडिकेशन बोल रहे हैं कि ये सर्वेलेंस में इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक बार हम याद करवा के देख लें कि ये आरटीपीसीआर जो है पहली वायरोलॉजिक टेस्ट हम किन किन लोगों को दे रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, फिर पुरानी याददाश्त आपको दिलवा दूं कि ये जो टेस्ट किट है, ये जो टेस्ट है किस किस को ऑफर होती है, जो भी ऐसी जगह से इंटरनेशनली आया है जिनको 14 दिन में वहां गया था जहां ये इसके ये बीमारी ज्यादा फैली हुई थी उसको ऑफर हो सकती है, उसको अगर उसके लक्षण दिखाई दे तो। लेकिन आज के तौर पे ये क्राइटेरिया रिलैक्स्ड है, लेकिन कभी ना कभी तो भी, क्योंकि ये अभी तो लॉकडाउन चालू है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, कभी ना कभी तो भी ऐसे होगा फिर हम खुल जाएं, उस वक्त ये क्राइटेरिया फिर लगेगा, इसलिए उसको अभी भी रखे हैं। दूसरी बात हमको याद रखना है कि जो जो भी लैब कंफर्म केस का कांटेक्ट है उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको हम ऑफर करते हैं। तीसरी बात, जो कोई हेल्थ केयर वर्कर होगा उसको अगर कोई लक्षण दिखे तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर हम करते हैं। चौथी बात, जब हम हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को देखें उनमें अगर आपको सारे जगह पे अगर हमने लोग देखे तो जहां भी हमको सारी की केस दिखती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, जो एक लक्षण हो सकता है एक सिंड्रोम के वैसा एक कॉम्प्लेक्स होगा कि जिसमें ये COVID-19 के केसेस होंगे, तो हम सारी के हर रुग्ण को हर मरीज को हम ये टेस्ट ऑफर करते हैं, इसमें भी कोई कमी किसी किस्म की नहीं है। और आखिरी बात, जो भी एसिम्टोमेटिक है हाई रिस्क केसेस है उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको हम 5वें दिन के बाद में
या 14 दिन के बाद में हम ये टेस्ट भी ऑफर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो नए हॉटस्पॉट करके क्लस्टर खुल रहे हैं, ये क्लस्टर के अंदर हॉटस्पॉट की लिस्ट शायद सर ने आपको दी होगी, वो लिस्ट में जो जो भी जिले हैं उन जिलों में जिस किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, यानी बुखार खांसी और जुकाम ऐसे कोई इलनेस अगर होगा तो उसको भी ये टेस्ट ऑफर की जाएगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, सबको बार बार ऐसे लगता है कि शायद हम कम लोगों को टेस्ट ऑफर कर रहे होंगे, इनको छोड़ के और कोई क्राइटेरिया और जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है कि जिसको हम कम, यानी हमारे यहां नहीं है बाहर कहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक चीज हमने एक करने की कोशिश की कि ये पूलिंग करके, सैंपल को पूल करके क्या हम लोग टेस्ट कर पाएंगे, तो हमने देखा कि आरटीपीसीआर ना, यानी जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है, वो मॉलिक्यूलर टेस्ट का इस्तेमाल करके हम पूलिंग कर सकते हैं। पूल्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम हो जाएगी, नतीजा वही मिलेगा। ये कहाँ कर सकते हैं, जहां जहां जो डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेक्शन नहीं है उस जगह पे आया है क्या, ये अगर देखना है तो जिन जिलों में 2% से कम सीरो पॉजिटिविटी रेट है वहां 5 सैंपल का पूलिंग करके हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पूल पॉजिटिव पाया गया तो हम ये पांचों के पांचों अगर टेस्ट करें तो हमको उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी हम रख सकेंगे, सारे लोगों की टेस्ट करने की हमको जरूरत भी नहीं आएगी। इसका मायना क्या हुआ कि आज जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके क्राइटेरिया भी बाहर जैसे हैं वैसे हैं। आज हमारा जो नेटवर्क है वो पूरा के पूरा नेटवर्क पूरे देश भर फैला हुआ है। सिर्फ इंतजार किस बात का है, हमारी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में जितने लोग चाहिए उतने लोगों का अगर मुझे टेस्ट करना है तो लोगों ने घर जिनको लक्षण होंगे, जो लोगों का कांटेक्ट आया होगा, वो लोगों ने अपनी टेस्ट करने के लिए आगे आना है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि 3-4 दिन पहले हमारे पास 6 हफ्ते टेस्ट करने के उतना स्टॉक था। आज हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैंने कल बताया, आज तकरीबन 8 हफ्ते तक हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों की टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ रैपिड टेस्ट जो है ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट अब आई तो सब लोग लिखना शुरू करेंगे, लोग सोचेंगे मैं रैपिड टेस्ट करवा लेता हूं, वो उसके लिए नहीं है, डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये एपिडेमियोलॉजिक पर्पजेस के लिए है। थैंक यू। आई थिंक इन डिटेल यू हैव इलैबोरेटेड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम। मिस्टर राजीव जैन, I'll give you a brief overview of the commendable work done by some of the infra ministries to aid in the fight against COVID-19. You are aware that Ministry of Civil Aviation core group was formed with important stakeholders for undertaking Lifeline Udaan initiatives to transport essential medical cargo to remote parts of the country to support India's war against COVID-19. A hub and spoke Lifeline services were started from 26th March to 2020. Air India, Alliance Air, Indian Air Force and private carriers, they are operating flights to deliver essential items including medical supplies with special focus on the northeast region, island territories and the hill states. Air India and Indian Air Force collaborated primarily for JNK, Ladakh, northeast and other island regions. Helicopter services including Pawan Hans Limited have been operating in JNK, Ladakh and northeast region, transporting critical medical cargo and patients. So far, 247 flights have been operated under Lifeline Udaan by Air India, Alliance Air, Indian Air Force and private carriers. 154 of these flights have been operated by Air India and Alliance Air. Cargo transported till date is more than 418 tons. Aerial distance covered by Lifeline Udaan flights till date is more than 2.45 lakh kilometers. An air bridge has been established with China with effect from 4th April 2020 for transportation of pharmaceuticals, medical equipment
and COVID-19 relief material. Within South Asia, Air India transported medical supplies to Colombo. Air India operated first flight under Krishi Udan program between Mumbai and London on 13th April 2020, carrying 29 tons of fruits and vegetables to London and returned with 15.6 tons of general cargo material. I'll give you a brief overview of Indian Railways now. Reaching out to those in need, over 16 lakh free meals have been served by railways till 15th April 2020. From 24th March 2020 to 14th April 2020, more than 8 lakh wagons carried supplies to keep the supply chain functional. Of these, more than 5.15 lakh wagons carried essential commodities like food grains, salt, sugar, milk, edible oil, onion, fruits and vegetables, petroleum products, coal, fertilizers, etc. throughout the country. In order to supplement the national healthcare efforts to fight COVID-19, 5,000 beds in 17 dedicated hospitals and 33 isolated hospitals blocks in railway hospitals have been identified for treatment of COVID-19 patients. Over 10,500 quarantine beds have been made available across the Indian Railways to fight COVID-19. Over 5,000 train coaches to serve as quarantine isolation facilities for up to 80,000 beds have been created in quick time for any contingency related to COVID-19 fight back. So far as Indian posts are concerned, India Post has leveraged its vast network of more than 1.5 lakh post offices and 4 lakh postal employees on ground to provide delivery of essential services to the citizens at their doorsteps in the remotest corners of the country. Broadly speaking, the department has been focusing on the supply chain and the last mile delivery of essential services as well as the provision of basic postal and financial services. Leveraging its first mile and last mile connectivity and its supply chain and logistics infrastructure, India Post has used cargo flights and its own fleet of Red Mail motor vans to deliver essential items including medicines, COVID-19 testing kits and medical equipment including ventilators. Around 1.3 crore post office saving bank transactions were carried out involving more than 21,000 crores apart from 52 lakh India Post payments, bank transactions involving around rupees 1,500 crores, AEPS transactions worth more than rupees 120 crores served around 5 lakh customers at the doorsteps. Around 26 lakh mail articles were delivered apart from payment of about 10 lakh money orders. Last is Ministry of Road Transport and Highways. It has been ensured that no payments are delayed due to the closure of office and the payments are released to contractors, consultants, vendors in a time-bound manner using digital payment platforms. About rupees 10,000 crores has been released by NHAI to various contractors, consultants and vendors clearing their pending bills during the lockdown period. States and UTs were advised to extend validity of fitness certificates, permits, driving license or other vehicles documents under the Motor Vehicles Act 1988 and Central Motor Vehicles 1989 up to 30th June 2020, whose extension of validity may not be granted due to lockdown period and which have expired since 1st Feb 2020 or would expire till 30th June 2020. Now, first online question, is the center sending some special teams or task force to Maharashtra to help the local government and the municipal authorities? सर ऑलरेडी महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के अलावा देश के विभिन्न पार्ट्स में 11 राज्यों में हमारी सेंट्रल टीम गई हुई है. महाराष्ट्र के विषय में आते हैं तो इससे पहले ही ऑलरेडी हमारी एक सेंट्रल टीम पुणे, एक सेंट्रल टीम मुंबई में काम कर रही थी और एक एडिशनल टीम दो दिन पहले हमने भेजी है, जिसके तहत भी हम स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए कंटेनमेंट प्लान को मॉनिटर कर रहे हैं. मिस पालोमी फ्रॉम इंडिया टुडे.
So my question is to the Health Ministry and to ICMR. Today, Congress leader Rahul Gandhi said that our testing rate is such that it is 199 per million per 10 lakh, which is about 350 persons a district. Now, would you say that's woefully low and we would need to ramp up testing? And the second question is to Rajiv sir. This is about the Office of Memorandum, which has just come out from the DGC about air travel bookings and refunding of air passengers. Now, it says, it's worded in such a way, it says that if you've made bookings during the lockdown period, for travel during the lockdown period, you stand eligible for a refund if you seek so. I wouldn't make a booking during the lockdown period to travel during the lockdown period because bookings are closed. So it's, if you can just clarify that. So your query is about the passengers who have made bookings during the lockdown period. Yeah, so it says two things, right? Mm-hmm. It says for travel during the lockdown period of 25th March to the 14th of April, you can seek a refund if you've made a booking during that period, for travel during that period, and if you made a booking between 25th of March to the 14th of April to travel during the second lockdown period, which obviously now the lockdown has been announced. I think you're not booking during when it's closed. There must be some wording then in the interpretation. We'll have to get back and we'll clarify. Yeah, sure. Yeah. No, I will have to go back and clarify. Those wording has to be seen then. I think we'll get clarification on that. Yeah. Testing ke liye. Hey, Hindi mein bola chalega na? Kya English? हम अगर देखें ना अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी. इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है. अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है. यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है. हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए. हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर ऐसे अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं. तो नंबर्स के इसमें ये कहना बहुत कठिन रहेगा क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस अगर आप पकड़े तो वो तो 135 करोड़ 30 करोड़, वो पॉपुलेशन बेस को सब वल्नरेबल उतने नहीं है. हम अभी भी क्या कर रहे हैं, देश को अलग अलग जोन्स में बांट रहे हैं, किसको हॉटस्पॉट बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे. जैसा अग्रवाल साहब ने बोला, मैं थोड़ा नंबर भूल गया होगा, और 300 के ऊपर 330 या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन का बेस पकड़ के मैं टेस्टिंग के बारे में बोलना मुश्किल है. मैडम, मैं ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअली एक पर्टिकुलर डेटा को कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. हमारा एफर्ट यह है कि कोई भी पॉजिटिव केस हमारी पकड़ से ना छूटे, और उसके तहत जैसे कि इससे पहले डॉक्टर गंगा खेड़कर साहब ने बताया है, एक प्रॉपरली डिफाइंड क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया के तहत जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम देखें कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ अगर 24 पेशेंट को हमने टेस्ट किया, 24 सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट किया, तब जाकर हमारे को एक पॉजिटिव मिला, तो इट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट, एडवांस एक्शन प्राइमरली, हम लोग कुछ हद तक इसको कंटेन कर पाए हैं. इट इज नॉट अबाउट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टेस्टिंग विच विल बी आर डिफाइनिंग क्राइटेरिया. वॉट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे कंटेनमेंट मेजर्स लिंक विद टेस्टिंग ओवरऑल हमारे को क्या आउटपुट दे रहे हैं. तो उसके तहत में आप ये समझे, जैसे कि इससे पहले अभी हाईलाइट किया गया है, कि हमारे यहाँ जो भी डिफाइंड क्राइटेरिया है वो पर्टिकुलर सैंपल का क्राइटेरिया, उसके तहत सब लोग टेस्ट हों. इसके साथ ही हम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, कि सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और साथ में ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, उससे रिलेटेड टेस्ट हम इवन जहां जिस एरिया में आज भी कोई पॉजिटिव नहीं आया वहां भी हम कर रहे हैं. इसके तहत हमें पता लगता है कि कहीं बाय मिस्टेक उस पर्टिकुलर एरिया में वायरस स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, तो उसके तहत हम ओवरऑल कंट्री में भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. बट जो भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका एक डिफाइंड प्रोसेस है, उसका एक डिफाइंड क्राइटेरिया है, और जो नंबर हमें अब तक मिले हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है.
आईसीएमआर के लिए एक और क्वेश्चन है. रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स हैव अराइव्ड टुडे फ्रॉम चाइना. मैनी रिपोर्ट सुजेस्टेड दैट दीज चाइनीज किट्स वर फॉल्टी एंड इंडिया वॉज नॉट गेटिंग दीज चाइनीज किट्स. इज इंडिया स्टिल गोइंग टू यूज दैम? देख लीजिए, इसका सवाल थोड़ा जरा ज्यादा टेक्निकल भी शायद हो सकता है. नहीं, ये सच है, जैसा मैंने पहले बताया, एंटीबॉडी किट्स इनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ये कम है, ये तो हम चारों तरफ सबको मालूम है. इसका इस्तेमाल, जैसा मैंने पहले बताया, कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए या इंसान को ये इन्फेक्शन हुआ है क्या, इसके लिए करना नहीं है. ये तो हम ट्रेंड देखने के लिए कर रहे हैं. अब ये ट्रेंड देखने के लिए हम ये क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि समझ लीजिए, वो टेस्ट किट में, अभी जैसा मैंने एक बताया, आईजीएम की जो टेस्ट किट की सेंसिटिविटी है 81.3 है. ये तो पॉइंट एस्टिमेट है, लेकिन ये अपर रेंज को अगर पकड़े या लोअर रेंज को पकड़े तो थोड़ा आगे पीछे होता है. अब अगर मैं वो करता हूँ तो मुझे क्या याद रखना पड़ता है? एक ही बैच में के मैंने टेस्ट किए हैं, जो भी एरर आना है वो एरर यूनिफॉर्म आएगी. मुझे अगर ट्रेंड दिखना है तो ट्रेंड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो 6% दिखने के बजाय 5.8% निकला और उसका ट्रेंड मैं फॉलो कर रहा हूं, तो उससे मुझे कोई ही फर्क नहीं पड़ता. ये डिसीज डायग्नोसिस के लिए नहीं है. जैसे मैंने बोला, इम्यून रिस्पॉन्स, उसका द्योतक आज समझ सकते हैं क्या? अभी भी नहीं समझ सकते हैं. ये सर्वेलेंस में, हॉटस्पॉट में कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका अंदाज बांधने के लिए टेस्ट है. इसलिए वो किट का फॉल्टी रहने का हिसाब जो था ना, वो जो लोगों ने इम्यून रिस्पॉन्स देखने को किया उसके इसमें चक्कर में ठीक है. ये सर्वेलेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिस्टर मृगांक प्रभाकर, सारा इंडिया. सर, मेरा ये है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए आप लोगों से अप्रूवल मांगा है, तो अप्रूवल आप क्या? नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आईसीएमआर डीसीजीआई के वैसे अप्रूवल देने वाली बॉडी नहीं है. हमारा एक प्रोटोकॉल बनाए हैं, वो प्रोटोकॉल वेबसाइट पे लगाए हैं. जिन लोगों को हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर रिसर्च करना है तो उनको हम साथ लेके इकट्ठा रिसर्च करेंगे. अब कुछ लोग सोचेंगे कि, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, कोई बोलेगा एंटीबायोटिक का डोज 250 मिलीग्राम देने के बजाय मैं 500 मिलीग्राम इस्तेमाल करूंगा, उसको मैं तो रोक तो नहीं सकूंगा. उसके रिसर्च प्रोटोकॉल में 500 से वर्क करता है ऐसे उसको लगता है. जिसको 500 की वजह से वैसे काम करना है, वो अलग से प्रोटोकॉल डीसीजीआई से अप्रूव करवा ले, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में उसका नंबर दिलवा ले और वो आगे चले. हम अप्रूवल सब प्रोटोकॉल्स को हम देने का हमको कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है, ना कायदे से कोई हमको अधिकार है. वो तो डीसीजीआई के पास जाता है. नेक्स्ट ऑनलाइन क्वेश्चन. इट हैज बीन वाइडली सेड दैट समर एंड हॉट टेम्परेचर विल बी कॉन्ट्रो प्रोडक्टिव फॉर द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. हैव न्यू केसेज रिड्यूस्ड? What has been the expiry observation on this? Doctor, ये heat से related है. क्या बोल रहे? Summer and heat related. I'll read it again. Yes, sir. It has been widely said that the summer and hot temperature will be counterproductive for the spread of coronavirus. Have new cases reduced? What has been the expiry observation on this? यानी सब सीजन के ऊपर है. जी जी. ये फिर दोहराते हैं, पहले बहुत बार इसका जवाब दे चुके हैं. ये बीमारी हमको 31 दिसंबर के बाद में चाइना ने अपने को बताया है कि ये बीमारी, नई बीमारी आ चुकी है. आप सीजन्स देखें तो अभी समर सीजन उसने अभी तो बराबर देखा ही नहीं है. तो हमने वेदर की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर मैंने अगर बताना शुरू कर दिया तो मेरे पास एविडेंस कुछ भी नहीं है. मैं मेरे मन में जो विचार आता है वो मैं बोलूंगा. लेकिन जब हम सारे लोगों से जब बोलना चाहते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा,
और मेरे पास अगर सबूत न हो तो उस पर मैंने भाष्य करना गलत है। हम उसको देख सकते हैं ये समर सीजन में क्या होगा। सबको ऐसे लगता है समर में वो जल्दी सूख जाएगा, अगर ड्रॉपलेट्स कहीं गिरे तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये सही है तो हमको दिखना चाहिए। अगर दिखा तो हम बोलेंगे, अगर नहीं दिखा तो नहीं है। क्या करें। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर कुंदन, TV9। मेरा सवाल लव अग्रवाल सर से है। सर, देश में जितने भी क्लस्टर हुए या हॉटस्पॉट हुए, आपने उनको रिस्ट्रिक्ट करने की वहां पे कोशिश की, क्या ऐसा कोई डेटा भी आया है कि वहां पे फिर से उन जगहों पर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी हो? सर, क्लस्टर कंटेनमेंट भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, जब हम अपनी स्ट्रैटेजिक अप्रोच के थ्रू क्लस्टर कंटेनमेंट पर काम करते हैं, हमारी स्पेशल टीम हाउस टू हाउस सर्वेलेंस करती है और उसके बेसिस पर फीवर, कफ और रेस्पिरेटरी केसेस की मॉनिटरिंग होती है, तो उसके तहत हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के एफर्ट करते हैं। फिर हम उस एरिया को तब तक अपने कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज में रखते हैं जब तक कि नेक्स्ट 28 दिन तक कोई पर्टिकुलर केस वहां ना आए। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसके तहत ही अभी मैंने आप लोगों के नॉलेज में लाया हूं कि माही डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर पिछले 28 दिनों से कोई भी केस नहीं आया है। इसी तरह से 27 और जिले हैं जहां पर 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमारे पूरे एफर्ट्स होते हैं कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को 100% ब्रेक कर सकें।